मित्रों, महाभारत काल में जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ था, तब वे वनवास काल के दौरान वनों में विचरण करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। तब एक बार उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश शुरू की। सर्वप्रथम छोटे भाई सहदेव को पानी लेने के लिए भेजा। बहुत देर बाद जब सहदेव नहीं लौटा तो नकुल को उसकी तलाश में भेजा, उसके बाद अर्जुन को और फिर भीम को। जब चारों भाई वापस नहीं लौटे तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर उनकी तलाश में गए। मित्रों, जब धर्मराज युधिष्ठिर एक जलाशय के समीप पहुंचे तो उनको अपने चारों भाई मृत अवस्था में जलाशय के किनारे पड़े हुए मिले। उन्होंने अपने भाइयों की मृत्यु के दुख में विलाप करते हुए पूछा, मेरे भाइयों की यह दशा करने वाला कौन है? तब जलाशय के समीप एक वृक्ष में से यक्ष प्रकट हुए और युधिष्ठिर को बोले, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस जलाशय का जल तुम नहीं पी सकते। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और वे यमलोक के अतिथि बन गए। अब तुम बताओ, क्या मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे? युधिष्ठिर ने बोला, मैं प्रयास करूँगा। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, पवन से भी तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के निकट मनुष्य का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य संयम क्या है? धर्म का दक्षता, यश का दान, स्वर्ग की सत्यता और सुख का शील। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ठग रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म ना करना आलस्य है। सबसे सुखी कौन है? जिसको कोई कर्ज ना हो वह सबसे सुखी है। सच्चा स्नान कौन सा है? जो स्नान मन का मैल धो दे वह सच्चा स्नान है। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक काजल से भी अधिक काला है। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को। लज्जा क्या है? ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। दया क्या है? सबके सुख की कामना करना दया है। राष्ट्र के पतन का कारण क्या होता है? अराजकता। ब्राह्मण की वास्तविक पहचान क्या है? उच्च कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, उच्च कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मण की वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक ब्राह्मण कहलाने के लिए चरित्रवान होना सबसे आवश्यक है। धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ स्थित है? व्यक्ति के हृदय में। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, प्रत्येक मनुष्य यह जानता है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, फिर भी वह मृत्यु के सत्य से अनजान बना रहता है। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों के उचित उत्तर पाकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। तो मित्रों, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद पर आधारित हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, इस वीडियो में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज। मित्रों, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।